गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ एक डिटेल न्यूज़ शेयर करूंगा आईपीएल बेटिंग पर। आईपीएल बेटिंग की एक ख़ास खबर है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा वेबसाइट वो लोग यूज़ करते थे, कौन सी कंपनी थी और क्या हैं उनके कोड्स वर्ड्स जो कि वो यूज़ करते हैं आईपीएल बेटिंग में। आईपीएल बेटिंग में चार लोगों की धरपकड़ हुई है, बहुत बड़ी मात्रा में कैश पकड़ा गया है, 19 मोबाइल और मशीन्स जो कि काउंटिंग मशीन्स थी वो पकड़ी गई हैं, 4 करोड़ से ऊपर की कैश की बरामदी हुई है आईपीएल बेटिंग में। लेकिन डिटेल में आपको बताऊंगा क्या है ये पूरी खबर आईपीएल बेटिंग पर। ये है पूरी खबर। सीएसटी आयुक्तालय, टीम की कार्रवाई, आईपीएल क्रिकेट सट्टे की रकम ठिकाने लगाते हुए आरोपी गिरफ्तार, कुल 4.19 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सट्टा कारोबार दुबई कनेक्शन का खुलासा हुआ है, मौके से मोबाइल सेट, रुपए गिनने के 2 मशीन, कैलकुलेटर आदि उपकरण जब्त हुए हैं। ये न्यूज़ है जयपुर की। जयपुर शहर में सीएसटी विशेष टीम द्वारा गत दिनों इलाका थाना प्रताप नगर एवं श्याम नगर में क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा कारोबार में लिप्त बड़े सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के उपरांत आए इनपुट के आधार पर बारीकी से अन्य सटोरियों पर नज़र रखने की भनक लगने पर उक्त आरोपियों द्वारा सट्टा कारोबार में विशेष सतर्कता बरतते हुए सट्टा राशि के परिचालन तौर तरीके बदलते हुए सोशल मीडिया पर बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ईश्वर एवं देवी देवताओं के नाम दिए जाकर बेहद गोपनीय रूप से आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया जा रहा था। हाल में आयोजित किए जा रहे आईपीएल क्रिकेट मैचों को लेकर विश्व के विभिन्न देशों सहित भारत में भी बड़ी मात्रा में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का कारोबार सरगना राकेश राजकोट द्वारा संचालित diamondexchange.com diamondexch.com नामक वेबसाइट द्वारा किया जाता है। राकेश राजकोट एवं उसके साथियों के द्वारा सट्टा कारोबार में अर्जित धनराशि को अवैध रूप से परिचालन एवं खुर्द बुर्द करने हेतु आरसी एंटरप्राइज नाम से समानांतर बैंकिंग कारोबार करने हेतु एक फर्म गठित की गई एवं इसकी शाखाएं जयपुर सहित अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, कच्छ, जूनागढ़, जामनगर, मुंबई आदि शहरों में कुल 321 शाखाएं खोल रखी हैं। इसी फर्म की ब्रांच राकेश राजकोट एवं उसके साथी विकास भाई के द्वारा नियोजित रणधीर सिंह राजपूत निवासी गुजरात के जरिए जयपुर चारदीवारी क्षेत्र किशन पोल मेन बाजार में संचालित की जा रही थी। जयपुर शहर सहित उत्तर भारत के राकेश राजकोट द्वारा सट्टा कारोबार लिप्त विभिन्न क्रिकेट बुकियों के से राशि से परिचालन हेतु रणधीर सिंह एवं उसके साथियों को नियोजित किया गया था, जिनके द्वारा छद्म नामों से संचालित व्हाट्सएप ग्रुप में क्रिकेट सट्टे की राशि से लेन देन के दौरान कोड वर्ड में लाख को किलो एवं करोड़ को चिकन के छद्म रूप में सोशल मीडिया पर बोलते थे। आईडी व पासवर्ड के साथ लेन देन कोड वर्ड में दर्शाया जाता था। मास्टरमाइंड राजेश राजकोट दुबई में बैठकर देश के कई राज्यों में डायमंड एक्सचेंज exch.com नामक वेबसाइट पर आईडी पासवर्ड के माध्यम से सट्टा लगवाता था। इस सीज़न के सबसे ज़्यादा इसी वेबसाइट के जरिए लगाए जा रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि उक्त वेबसाइट से सटोरियों को मैच के संबंध में सटीक परिणाम सामने आ रहे थे। आरोपी रणधीर सिंह द्वारा फाइन एक्सचेंज नाम से स्वयं की भी पृथक से लाइन चलाई जा रही थी, जो राजस्थान एवं गुजरात में कई लोगों को सट्टा कारोबार हेतु आईडी एवं पासवर्ड कराता था। आरोपियों से पूछताछ जारी है। क्रिकेट सट्टे के सटोरियों के और नामों के खुलासे होने की संभावना है। इस केस में 4 लोग पकड़े गए हैं अभी तक, जिनकी शिनाख्त चल रही है जयपुर में। तो ये एक डिटेल खबर मैंने आप लोगों को दी है आईपीएल बेटिंग से लेकर। खबर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी बजाइए और शेयर करिए। फ़िलहाल के लिए यही खबर, और खबरों के साथ जुड़ूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।